स्वागत है आपने आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर आदिल खान ब्लॉग्स। दोस्त मेरा नाम आदिल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्त मैं आज हूँ त्रिपुरा के एक छोटे से शहर रामानगरम के एक छोटी सी हिस्टोरिकल जगह जो कि उसका नाम है ऊनाकोटी। शहर बहुत ही फेमस और हिस्टोरिकल पैलेस है क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे बहुत बहुत सारे यूट्यूबर को देखा है व्लॉग शूट करते हुए, क्योंकि हम लोग आए और इसी साइड नॉर्थ ईस्ट में आए और यहाँ पे ना आए तो कोई मतलब नहीं बनता है। लास्ट जगह थी हम लोग का, लास्ट व्लॉग था यहाँ पे त्रिपुरा में। और उसके बाद ये मतलब ये सात तो कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट का, ये आठवां स्टेट है और आठवां स्टेट का ये लास्ट हम लोग की जगह है व्लॉग शूट करने के, और उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। खैर आप लोगों को पूरा एक्सप्लोर कराते हैं यहाँ का। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे जो पत्थरों को तराश कर बनाया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखकर। माय गॉड, यहाँ पे देख सकते हो हम मतलब पत्थरों को तराश कर किस तरह से मूर्ति की तरह स्ट्रक्चर दिया गया है यहाँ पे, ज़बरदस्त है। काफ़ी मेहनत की होगी लोगों ने। चलते हैं, हर जगह वही है। अभी तो नीचे जा रहे हैं, बड़ी मज़ा आ रही है, बट ऊपर आने में फटने वाली है एकदम। यहाँ पे देख सकते हो नॉर्मल पानी गिर रहा है, कुछ खास ज़्यादा पानी नहीं आ रहा है, बट लोग थोड़ा बहुत फ्रेश हो रहे हैं, नहा रहे हैं, मुंह धुल रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं गिर रहा है। यहाँ पे भी देखो क्या खूबसूरती है, क्या तराश के पत्थरों को बनाया गया है यहाँ पे। यही तो खास बात है ऊनाकोटी की, लोग इतने दूर से आते हैं, वहाँ पे भी वही है। काफ़ी मेहनत की होगी लोगों ने, काफ़ी ज़्यादा। अभी नीचे से आने में यहाँ तक एकदम हालत ख़राब हो गई है, कंटिन्यू पहाड़ियों पे चढ़ ही रहे हैं बस 10-15 दिन से, पहाड़ियों से पीछे नहीं छूटने वाला। बहुत ज़्यादा एकदम स्लो पे देख सकते हो आप, ये ऐसे जाना फिर ऐसे ही हो जाना। वहाँ से अभी तक अभी बहुत जाना है अंदर, तकरीबन बता रहे लोग 3.5 किलोमीटर अंदर और जाना है। यहाँ पर कुछ खास नहीं, बस हिस्टोरिकल पैलेस है कुछ जो कि अच्छा लग रहा है। तो अभी फाइनली हम लोग वहाँ से एकदम जो दिख रहा है आपको ऊपर वो सीढ़ी, वही मेन है, वहाँ से इसे 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 नीचे आ, उसके बाद यहाँ से अभी ऊपर आए। लेकिन वहाँ से आने में पूरा हालत ख़राब हो चुकी है। अभी खैर और ऊपर जाना है, देखते हैं, क्योंकि जाने का मूड नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अभी क्या बताएं। ये देख रहा ऊँचाई सीढ़ियों की, बहुत ही हार्ड है चढ़ना। उधर तो उतरने में बड़ी मज़ा आ रही थी, बट यहाँ से ऊपर आने में हालत ख़राब हो गई एकदम। तो अभी फिर जा रहे हैं नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर अभी नहीं जाएंगे क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है हम लोग की, कि ऊपर जाने का उतना फ़ायदा भी नहीं क्योंकि इतना अभी इतनी इतना 10-15 दिन से ना जितना भी स्टूड हम स्टेट हम लोग का ये आठवां स्टेट है ये, बट अभी तो खैर पहाड़ियों पर घूम रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी सोचे कि ये भी जो एक हिस्टोरिकल पैलेस है क्यों नहीं छोड़े, नॉर्थ ईस्ट का एक घूमने वाली जगह है ये, सब लोग जाते हैं तो इसको छोड़ते क्यों, मिस क्यों करते हैं, इसको लास्ट हम लोग का है तो सोचो इसको भी क्यों नहीं अच्छी तरह से घूम ले। खैर यहाँ पर कुछ है नहीं उतना, आपको पता है कि थोड़ा बहुत ऊनाकोटी जो है यहाँ पे पत्थरों को तराश कर कुछ स्केच टाइप मतलब मूर्तियाँ बनाई गई है, लेकिन बहुत ही खूबसूरती के साथ उसको तराशा गया है, जैसे कि मैंने आपकी पीछे आप लोगों को दिखाया। खैर जगह तो खैर बहुत अच्छी है, बट अभी हम लोग इतना थक गए हैं कि और ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत जाएंगे नीचे, थोड़ा बहुत व्लॉगिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। तो खैर अभी तो मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ, उधर ये क्या पानी, बिना पानी के कुछ चलने वाला नहीं यहाँ पे। वहाँ देखो वहाँ पे पानी गिर रहा है, बट नहाने का मन कर रहा है लेकिन नहाएंगे नहीं क्योंकि शूट लेके नहीं आया अभी नहाने वाला। खैर गर्मी यहाँ पे त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा है, उधर थे अभी मिजोरम में तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी थी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अलग अलग मौसम मिलता रहता है। ये देखो वहाँ पे, वहाँ ऊपर था हम लोग इधर, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर उधर गए, फिर नीचे आए। थोड़ा बहुत जाएंगे नीचे, उसके बाद चले जाएंगे बाहर। और हम ब्रिज पे पहुँच चुके हैं, तो फाइनली अभी जा रहे हैं नीचे की तरफ और आप लोगों को एक्सप्लोर कराते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी नीचे जाएंगे उसके बाद रिटर्न चले जाएंगे हम लोग, रिटर्न नहीं आने वाले फिर। पहाड़ियों चढ़ने की और दम नहीं रहा। देखो पीछे ये सीढ़ियाँ, खाई, आफत, धुआं, जो समझो
क्योंकि अभी 10 दिन से ना सिर्फ बादल धुआं ही देख रहे हैं। बट यहाँ पे जो सीढ़ियाँ बनाए बहुत ही अच्छी बनाए हरिम भाई, सुरक्षित एकदम, आराम से पकड़ पकड़ के चल सकते हैं। अमरूद का पेड़ है, अमरूद का नहीं है, जामुन लग रहा है, जामुन है, जामुन ऊपर, जामुन उतना बड़ा नहीं होगा, जामुन नहीं है, जामुन नहीं है। देख रहे हैं उधर पानी गिर रहा, अच्छा लग रहा है, बट सोचा नहा ले जाके, लेकिन पत्थरों को तरह से गजब बनाए, अच्छा लग रहा है उधर, देखना उसका फोटो ले लेना। देख सकते हो कितने जबरदस्त तरीके से पत्थरों को तराश कर यहाँ पे देख रहे हो मूर्तियाँ बनाई गई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जितने भी पत्थर है ना, जितने भी कुछ ना कुछ उसे बना हुआ है, हर पत्थरों पे कुछ ना कुछ बना हुआ है यहाँ पे, छोटे बड़े सब। और ये जो पानी की यहाँ की सीढ़ियाँ जो है ना, बहुत ही मतलब ज़बरदस्त तरीके से बनाई गई है, क्योंकि वहाँ पर पकड़ के चढ़ भी सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने और जगह भी देखा है कि वहाँ चेरापुंजी में थे डबल डेकर ब्रिज, वहाँ पे हम लोग को डंडा लेकर चढ़ना, डंडा लेकर डंडे के सहारे चढ़ना पड़ता था। खैर यहाँ पे तो सीढ़ियों को पकड़ के आप चढ़ भी सकते, खैर बहुत ऊपर जाना, लेकिन हम लोग नीचे नहीं गए, हम लोग उधर तो बस ऐसे ही सब रिटर्न जा रहे हैं, हम इधर रिटर्न की उधर साइड चले जाएंगे बाहर, क्योंकि और दम नहीं रह गई अब पहाड़ियों पर चढ़ने की। तो फाइनली अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और मतलब ऊपर नहीं जा सकते। ऊपर के हम लोग नॉर्मली बस आए थे, बस ये है कि मतलब यहाँ पे आए और एक फेमस जगह ना घूमे तो कोई मतलब नहीं बनता। खैर आए थोड़ा बहुत शूट किए, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ।